कराची से मैं हूँ आयशा खान। शजरकारी के फरोग के लिए फेरे हॉल के अहाते में अर्बन फॉरेस्ट कॉर्नर का इफ्तिताह कर दिया गया। अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल ने पौधे लगा कर किया। केएमसी डीजी पार्क जुनेदुल्ला खान के मुताबिक एक एकड़ पर मुश्तमिल अर्बन फॉरेस्ट कॉर्नर पर 40 इकसाम के 2000 पौधे लगाए जाएंगे। कराची के डिफरेंट जो नेटिव ट्रीज हैं वो प्लांट किए गए हैं। इसमें तकरीबन 40 इसकी इकसाम है, 40 इकसाम के ये पौधे हैं जो कि अमेरिकन ये कॉन्सल के साथ कोऑर्डिनेशन में हम प्लांट कर रहे हैं। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि अर्बन फॉरेस्ट के जरिए ऑक्सीजन बढ़ेगी और दर्जा हरारत में कमी आएगी, जो कि पाकिस्तान जैसे शहर के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। अर्बन फॉरेस्ट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, अब्सॉर्ब कार्बन, अब्सॉर्ब वाटर, प्रोड्यूस शेड एंड कूल टेम्परेचर्स। दैट्स व्हाई वी इन द कॉन्सुलेट वांटेड टू वर्क विद लोकल पार्टनर्स हियर टू प्रमोट दिस प्रोजेक्ट। सामाजिक कारकुनों के मुताबिक शहरी भी शजरकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और माहौल की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। मुख्तलिफ तरीकों से ट्रेनिंग हुई, उसमें एक टुकड़ा ये था कि जी जंगलात जो है अपने आसपास पैदा करने की शुरू करें, बिकॉज वो आपके लिए बेशुमार फवायद एक पैकेज में ला के देते हैं। मियावाकी फॉरेस्ट का यही एक हल हमने सोचा है कि जो तेजी से अगर आपने इसको बढ़ाना है किसी जगह हरियाली को, तो वो फिर ये एक तरीका है। इस मौके पर अमरीकी कौंसल खाने के तावन से इंडस अर्थ ट्रस्ट और केएनसी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी किए गए।